नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात कर रहे हैं मंथन पर। जी हां, देश भर में तमाम पार्टियां हैं और लगातार ये पार्टियां 2024 को लेकर अभी से मंथन में जुट गई हैं। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसमें सबसे आगे दिख रही है और ख़ास तौर पे उन सीटों के लिए जो बीजेपी के लिए कमज़ोर नब्ज साबित रही हैं। बात कर रहे हैं 2019 की कुछ ऐसी सीटों के बारे में जिन सीटों को पश्चिमी यूपी में बीजेपी हार गई थी और इन सीटों पर एक बार फिर से बीजेपी का मंथन चल रहा है और 2024 के लिए एक पॉजिटिव रणनीति के साथ बीजेपी उतरने जा रही है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं 2024 के मंथन को लेकर और इस पर तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय मैं आपका करवा देती हूं तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ ओपी सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर इस पैनल पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है हमारा आपका। हमारे साथ नीरज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। संतोष यादव जी प्रवक्ता आरएलडी और रुद्र प्रताप दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ओपी जी आप ही से करेंगे चर्चा की। सर, 2024 को लेकर काफी मजबूती के साथ आपकी पार्टी इस वक्त दिख रही है, किस तरह की तैयारियां दिख रही खासतौर से पश्चिमी यूपी के लिए? स्वाति जी बिल्कुल सही कहा आपने, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस लिया है और यह कमर उसी दिन कस लिया जब 2022 के विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत देकर 37 साल बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तभी से हम 2024 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। इसमें खास तौर से हमारी जो रणनीति इस समय चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीति यह है कि जो उत्तर प्रदेश में 14 सीटें हम अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, 80 में 66 हमारे हाथ में है, 14 सीटें ऐसी है जो हम अभी तक हारे हैं। हमारी खास रणनीति, खास फोकस, खास कार्यक्रम, खास अभियान उन 14 सीटों के लिए है। उसमें भी खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों में 7 सीटें ऐसी हैं जो हम हार चुके। माननीय समाजवादी पार्टी, बसपा, रालोद, गठबंधन, जाति समीकरण, जो कुछ भी रही हो रणनीति की, मैं दूसरी पार्टी के रणनीति के बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता। हम 7 सीटें हारे, लेकिन हमारा इस बार प्रयास है कि हम उन 7 सीटों को भी जीते और प्रयास के तौर पर हमने काम करना शुरू कर दिया। उन 7 लोकसभा सीटों में हमारे केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश के मंत्री केवल जा नहीं रहे, वहां प्रवास कर रहे। अब प्रवास करने का जो ठोस कार्यक्रम है, एक सांसद को 100 बूथ की जिम्मेदारी, एक विधायक को 25 बूथ की जिम्मेदारी दी गई है। ये दो जो हमारे सांसद, विधायक, मंत्री जा रहे हैं, पहले से तो दो चीजें वो देख रहे हैं। नंबर एक, क्या हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रदेश सरकार की योजनाएं जनता तक, लाभार्थियों तक उनको पूरा पूरा मिल रहा, उसका फायदा मिल रहा है और मिल रहा, क्योंकि ये जरूरी है। और दूसरा ये कि अगर उनको मिल रहा है तो हम क्यों नहीं अपने जो अभियान है संपर्क अभियान जनता से उसमें जोड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे मंत्री हो, आप देखिए कि 12 महीने 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी 24 घंटा विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के, और ये पार्टी के लोग बताएंगे, वही बताएंगे जो अब तक 2019 के लोकसभा में बताए थे और 2022 के विधानसभा में बताए। हमने बताया था कि भैया देखो, हमने आपके सामने ये संकल्प किया था, हमने इसको पूरा किया, यदि हमने पूरा किया है तो आप हमारा साथ दिए और जनता ने दिया। और तब हमारा लक्ष्य लोकसभा का कुछ और था, लेकिन रामपुर, आजमगढ़, समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ मानती थी, कुछ नेता तो वहां गए ही नहीं, इसलिए नहीं गए कि ये तो हमारी जीती जीती है, हम इस जातवादी समीकरण से, तुष्टिकरण समीकरण से हम जीत चुके हैं, वो इस अभिमान में गए नहीं। ये भी नहीं बताया कि मेरे पिता ने आपके साथ ये विकास किया,
मैंने भी 3 साल सांसद रहा, ये विकास का, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जा जा करके बताया कि हमने पूर्वांचल का कैसे विकास किया, और आज यही स्थिति है कि एक विपक्षी प्रमुख पार्टी पूर्वांचल में एक भी सीट उनके पास लोकसभा की नहीं, ये जब से वो पार्टी बनी है इतिहास में पहली बार है। अब आजमगढ़ स्वाति जी और रामपुर किला ध्वस्त करने के बाद हमें ये उम्मीद है कि जनता हमें 80 लोकसभा सीटों पर हमें जिताना चाहती है, ये दावा हम नहीं कर रहे, जनता ये दावा कर रही है सभी सीटों और है भी ठीक क्या है। अरे बिल्कुल, लक्ष्य बहुत बड़ा है और लक्ष्य को अभी से भेदने में बीजेपी जुट गई है, जाहिर सी बात है, और तारीफ भी यहाँ पर बीजेपी की करनी होगी कि अभी से ही डेरा डाल लिया है आपके नेताओं ने। ठीक है, आपके पास ओपी जी वापस आएंगे, हमारे साथ नीरज यादव जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप कैसे आंकलन कर रहे हैं 2024 को लेकर अभी से, क्योंकि बीजेपी तो जुट गई है, समाजवादी पार्टी कितनी तैयार है? समाजवादी पार्टी का गांव स्तर तक सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में जाकर पार्टी के मेंबरों की गिनती बढ़ा रहा है जी। और समाजवादी पार्टी जनता के हर उस व्यक्ति तक जाना चाहती है जहां पार्टी का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल तक हम लोग मजबूती में लगे हुए हैं। और रही ओपी जी की बात, तो ओपी जी अभी एक बात कर रहे थे कि रामगढ़ और आजमगढ़ और रामपुर जी है ना, तो आजमगढ़ और रामपुर में जब वोट ही नहीं डलने देंगे आप प्रशासन को साथ लेकर, पहली बार तो यह सत्ता दो अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी, प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, आपने जबरन चुनाव जीते हैं, आपने जनता को धाता दिया है और आज से लेकर अब तक आप केवल प्रशासन को साथ लेकर चुनाव लड़ते हैं, आप में कभी दम है? आप सामने आके समाजवादी पार्टी का 2017 में 23% वोट था और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता ने, उत्तर प्रदेश की ने 36% बहुमत वोट दिया। ठीक है ओपी जी, गंभीर आरोप आप पर लग रहा है, इसका जवाब आपसे लेंगे पहले। पहले चीज तो ये है कि आपने पहले हमसे पूछा, हमने बताया कि हमारी पार्टी की रणनीति क्या है, हम उन लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के 2024 के लिए क्या कर रहे हैं। जब आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा तो कहे जनता में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और सदस्यता अभियान बता, ये जनता के बीच में जाकर क्या कह रहे हैं ये नहीं बताया, नंबर एक। नंबर दो, स्वाति आप अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी जनता के बीच में, कभी भी जनता के बीच में जाकर आपकी कमियां बता रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या पर। अरे स्वाति जी इनसे ये पूछिए, आज जो बेरोजगारी महंगाई जब चुनाव जिस पर आप कभी बात नहीं करते हैं, अरे भाई आप कभी बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करते, प्लान पूछ रही हूँ मेरे भैया नीरज यादव जी, आपसे भी प्लान पूछ रही हूँ, उनसे भी प्लान पूछा है 2024 का। अब आप सुन लो, मेरे साथ आप उतावला ना हो, ये डिबेट का मैटर है, समाज जी भी बैठे हुए हैं, उससे भी आगे का प्लान जो पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कैसे क्या किया, इस पर नहीं जाना है फिलहाल, अभी तो आंकलन चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, सर आगे क्या कुछ नतीजे होंगे उस पर तो बाद में आएंगे। स्वाति जी, मैं आपको बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना प्लान माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर बना चुका है और हमें पता है कैसे बूथ लेवल पर जाना है। ठीक है ठीक है ठीक है, देवेंद्र प्रताप सिंह जी सुनेंगे नीरज जी। दूसरी बात मैं स्वाति जी ये कह रहा हूँ कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, सरकार मेरी थी, ओपी सिंह जी आप ये बताइए कि आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें जीत गए, कांग्रेस का भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है सर, उससे ये क्यों मुंह मोड़ते हैं? ठीक है देवेंद्र जी, जवाब दीजिए जी। देखिए स्वाति जी, ओपी जी समय समाप्त हो चुका है, जरा देवेंद्र जी को भी बोल दीजिए। स्वाति जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल पर मैं इस महत्वपूर्ण डिबेट पे अपनी बात रखना चाहता हूँ। आदरणीय ओपी सिंह जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से भाजपा का महिमा
मंडन कर रहे हैं और 80 सीटें जीतने का बार बार कई सारे डिबेटों में दम्भ भर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी के साथ पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि क्या इनको भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है? यदि है तो ये इस तरीके से अहंकार क्यों पाले हुए हैं कि मैं 80 सीटें जीत के ही दम लूँगा, 543 सीटें जीत के ही ये बिल्कुल ये खाना पानी खाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी देश की जंगे आज़ादी की पार्टी है, देश को, इस संविधान को, लोकतंत्र को, संवैधानिक संस्थाओं को बनाने का एक बहुत बड़ा शानदार इतिहास कांग्रेस का। यही कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी कि जब इनके दो सर्वोच्च नेता स्वर्गीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार जाया करते थे, तो कांग्रेस पार्टी अपने अपने सांसदों को इस्तीफा दिला करके उनको चुनाव जिताने का काम करती थी कि बिना विपक्ष के कोई सरकार कैसे चल सकती है। एक सत्ता के लिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का रहना बहुत आवश्यक है। ये तो विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। बार बार जो ये अहंकार है, कहीं ना कहीं स्वाति जी, बहुत गंभीर, बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके डिबेट में छोड़ना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इस देश को उस तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पे लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देंगे। और ये जिस तानाशाही, जिस तरीके से इस देश को आरएसएस के इशारे पे बांटना चाहते हैं, जात धर्म मजहब संप्रदाय धार्मिक उन्माद के नाम पे, घृणा के नाम पे, नफरत के नाम पे जो बांटना चाहते हैं, निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी श्रीलंका में जो हालात देख रहे हैं, हमारे इस महान देश भारत के महान जनता को, महान नागरिकों को देखना पड़े। ये डर है स्वाति जी, बड़ा डर है कि जो श्रीलंका में हो रहा है कहीं ये हमें ना ये इसका देखना पड़े। भगवान ने कहे, प्रार्थना करता हूँ कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। जो सच ये है, देश को ये उसी ओर ले जा रहे हैं। दिवेन जी, जिस तरीके से स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रहे हैं, ये निश्चित तौर पे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के नागरिकों के लिए किसी भी सूरत में सही नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, ये अहंकार यदि इनके जो प्रदेश में जो नाना प्रकार की समस्याओं से जनता करा रही है, महंगाई से, बेरोजगारी से और न जाने कितनी समस्याएं आज जो है जनता जो है करा रही है, अरे सर मगर ठीक है, मगर उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। केवल 365 दिन 24 घंटे इनके नेता, इनके जो मंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रवक्ता केवल कैसे 40 सीट 80 सीटें जीते, कैसे कौन हारी हुई सीटें जीते। कम से कम आपने जो लोक जो है, जो घोषणा पत्र में आपने जो अपने घोषणा पत्रों में जो वादे जनता से किए हैं, उसको सामने रख करके और जनता के समस्याओं को निराकरण के लिए काम करते वो ज्यादा अच्छा। ठीक है, संतोष यादव जी भी हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। सर, एक आपका भी रिएक्शन हम ले लेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ इस वक्त फिर मैदान में उतर रही है। आपकी क्या कुछ तैयारी है? पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, अभी भी वो गठबंधन बना हुआ है, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 को लेकर? 8 सीटें अभी आपने जीती हैं 2022 में। स्वाति जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के नेता जो जयंत चौधरी हैं, आप उनका इतिहास जान रही हैं कि वो चौधरी चरण सिंह से, चौधरी अजीत सिंह से जो शिक्षा लेकर के वो समाज में उतरे हैं, उनकी तैयारियों को देख कर ही बीजेपी 2 साल पहले चुनाव में कूद पड़ी है। आपने देखा होगा, कभी चुनाव में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार कभी नहीं चलाती है, सरकार की नीतियों को कभी पालन नहीं करती है, जनता की समस्याओं पे कभी बात नहीं करती है, हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। जब भी देखिए हम चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी देखिए हम चुनाव के लिए तैयार हैं। मेरा कहना, ये केंद्र सरकार का चुनाव होगा। ओपी सिंह हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का बहुत अच्छा बखान कर लेते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये केंद्र सरकार का जब चुनाव होगा, तो ये जो चीन में हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, डंडे में तार लपेट करके हमारे सैनिकों को पीटा गया और उनकी शहादत हो गई थी, उस पर पूछा जाएगा कि उस पर आपने क्या किया।
क्या एक्शन लिया आपने चीन के ऊपर? 8 साल जब आपने पुलवामा में हमारे 80 सैनिक शहीद हो गए, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि वो कैसे शहीद हो गए, वो आरडीएक्स कहां से आया ये पूछा जाएगा। पंजाब में आपने पाकिस्तान की एजेंसी बुला करके जांच करवा दी। अरे सर आप कहां पहुंच गए? मैं पहुंच इसलिए गया कि केंद्र सरकार का चुनाव होगा, ये केंद्र सरकार का चुनाव होगा। सर अभी तो बात हो रही है पश्चिमी यूपी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बता रहा हूं, यही जनता वहां पूछी जाएगी जो अग्निवीर योजना ये लेकर के आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जगह जगह पर नवयुवकों ने रैलियां करना शुरू कर दिया है, उसका विरोध शुरू किया है और जयंत चौधरी उस पर मौजूद रहते हैं। तो मेरा यह कहना है कि जो इनकी नीतियां हैं, आपने देखा होगा इन्होंने काले धन का ढिंढोरा बहुत बड़ा पीटा था कि जैसे ही भारत सरकार आई, बीजेपी की सरकार आएगी, विदेश से काला धन उठ करके चला आएगा। लेकिन नोटबंदी के बावजूद, नोटबंदी में सैकड़ों आदमी मर गया, नोटबंदी में सैकड़ों आदमी गरीब हो गया, क्या एक भी काला धन इन्होंने बताया कि विदेश से कितना काला धन हम लेकर के आए हैं? नहीं, अपनी नीति पर नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा था कि मैं पेट्रोल और डीजल के दाम 20 रुपया 35 रुपया लीटर कर दूंगा, लेकिन उसको सैकड़ा पार कर दिया। जो हमारा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को हमारी जो बहन स्मृति ईरानी है सर पे रख करके रोड पे बैठी रहती थी कि भाई गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, 1100 का हो गया, अब आज 1100 का गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। ठीक है, इन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? इन मुद्दों पे ही जो चुनाव होने वाला है 2024 का, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा। हमारे ओपी सिंह साहब इस पे जवाब नहीं दे सकते हैं, केवल वो बोले ना एक शब्द आप महंगाई पे नहीं बोलेंगे, काले धन पे नहीं बोलेंगे, संतोष यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आप लोगों से एक रिएक्शन ले लिया मैंने, आप लोगों से एक रिएक्शन ले लिया है। रुद्र जी के पास अभी एक बार भी नहीं गए, रुद्र जी किस तरीके से विश्लेषण करेंगे इन तमाम सीटों का? सर हम इन सीटों पर विश्लेषण की बात करें, हालांकि थोड़ा सा डिरेल इसको करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन कोशिश ये रहे यहाँ पर कि इसी पर ही बात। नहीं बिल्कुल सॉरी जी, आप सही कह रही हैं। देखिए ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट विल्सन, वो चुनावी रणनीतियों को दो आधार पर समझते हैं। चुनावी रणनीति को अगर आपको समझना है, उसकी सफलता को आंकना है, तो दो आधार हैं, प्रायोगिक आधार और तार्किक आधार। प्रायोगिक आधार में वो देखते हैं इतिहास में उन रणनीतियों का क्या परिणाम निकला। अगर इस लिहाज से देखें तो भाजपा की रणनीति 2014 से सफल हो रही है प्रायोगिक तौर पे। तार्किक के तौर पे अब वो देखेंगे कि आप संगठन पे कितने मजबूत हैं, ज़मीन पे और कागज़ पे, दो चीज़ों पे आकी जाती है। कई जगहों पर लिंग भेद होता है कई देशों में, कई पे जाति भेद होता है, कई पे रंग भेद होता है, अलग अलग के हिसाब से होता है। उत्तर प्रदेश तक आते हुए जब हम भारत की बात करते हैं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश सेंट्रल करके डिबेट कर रही हैं, तो उत्तर प्रदेश तक आते आते ये जाति में विभाजित हो जाता है। क्या तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी की है वो जातियों को प्रमुखता देने की है? जो 22,000 बूथों का उन्होंने चयन किया है कि वो कमज़ोर बूथ हैं और वो खुलेआम मान रहे हैं ये कमज़ोर बूथ हैं, उस पर तैयारी करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा पारदर्शिता वाली बात है। जब आप बता देते हैं कि ये मेरे कमज़ोर बूथ हैं, इस पर मैं तैयारी कर रहा हूँ, तब तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक कागज़ और पर्चा लेके और पेन लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने ये बयान दे दिया है कि आप इस पर तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव के बाद वो भी परखा जाएगा। तो मुझे लगता है राजनीतिक पारदर्शिता के लिए ये भी जरूरी चीज़ है। तीसरी बात, चेन्नई में इतने वक्त 14 नए कोविड के वेरियंट मिल रहे हैं, और आपने देखा पिछला विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से इंटरनेट पे हुआ, चुनाव का प्रचार चुनाव आयोग ने वहाँ तक ले गए। क्या कोई राजनीतिक दल इस पे भारतीय जनता पार्टी की बराबरी कर पा रहा है इस वक्त? इसके भी हमें आंकना पड़ेगा। अगर कल को स्थितियाँ कोविड की वजह से बदतर होती हैं, तो कौन सा राजनीतिक दल है जो इंटरनेट पे आके उतना ही चुनाव प्रचार सामग्रियों का उतना ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से करने के लिए तैयार है? इसे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा को आप चुनाव को उठाइए, योगी जी पे बनने वाले गाने 14 भाषाओं में थे, अलग अलग तरीके से, उसको काफ़ी बड़े लोगों ने गाया था। ये प्रचार का एक सिस्टम बता रहा हूँ, इस पर ध्यान देना जरूरी है। चौथी एक जरूरी चीज़ है कि वो लाभार्थियों के साथ संवाद कर रहे हैं, और इन लाभार्थियों में महिला वोट बैंक, जिसे वोट बैंक नहीं माना गया था पिछले 6 सालों में, वो भी एक वोट बैंक बनकर तैयार हुआ, उस पर बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो महिला को महिलाओं की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं मुस्लिम महिला है कि दलित महिला। तो एक महिला वोट बैंक, और खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद जिस तरीके से वो मुखर हुई हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ के काम कर रही है, मुझे लगता है 3 या 4 क्षेत्र हैं जिस पर ज़मीनी और कागजी तैयारी उनकी बेहतर दिखाई पड़ रही अभी की दृष्टि में। ठीक है, ये आपने मुद्दे, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, ये तमाम लोगों से सवाल है ओपी राजभर जी को छोड़कर। देवेंद्र जी आपसे भी मेरा यही सवाल है, जिन मुद्दों को रुद्र जी ने उठाया है उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कितना फोकस कर रही है इस बार? रुद्र जी एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जिन्होंने बात रखी है, वो अपनी जगह पे थ्योरेटिकल रूप पे
और जो हमारा जो लिखा नहीं, हुआ सर, सवाल ये है कि टेक्निकली आधार पर सोशल मीडिया के आधार पर बिल्कुल मैं रुद्र जी के बात का कहीं भी कोई विरोध नहीं कर रहा, मैं रुद्र जी के बात का कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आरएलडी कहीं पर भी अभी उस भूमिका में दिख नहीं रही है अपनी तैयारियों के साथ। जी जी, हर राजनीतिक पार्टी को ये नैतिक अधिकार है, दायित्व है, कर्तव्य है कि उसको चुनाव प्रचार की अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपने अपने तरीके से हर राजनीतिक दल तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी बहुत संजीदगी, कांग्रेस पार्टी एक बहुत जिम्मेदार पार्टी देश की है। हम भला कैसे जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को हम कमजोर रूप से आंकेंगे। मैं बहुत ही मजबूती के साथ, अभी कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में चिंतन शिविर किया था, पूरे प्रदेश के हर पूरे देश के हर प्रदेश स्तर पर चिंतन शिविर हुआ है, हमारा बूथ स्तर पर, हमारा जो है विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2024 में कांग्रेस बहुत दमदारी के साथ, बहुत जोश और जुनून के साथ, जज्बे के साथ चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के इस नापाक, इस फिरका परस, इस सांप्रदायिक जो एक जो जो उन्माद फैलाया है, इसको इनको परास्त करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही, कांग्रेस पार्टी स्वाति जी कमान दी गई है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सबसे जिम्मेदार पार्टी है। यदि कहा जाए तो ये अतिशयोक्त नहीं होगा कि कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मतलब कांग्रेस। हाँ, ये जरूर है कि अभी जो है इन कुछ लोग जो है राजनीति में आकर के नौसिखिए, उन्होंने जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे नफरत पैदा करके लोगों को, आज क्या हाल है, आज आर्थिक मोर्चे पे देश किस कहाँ खड़ा हुआ है, महंगाई चरम पे है। जो कांग्रेस की यूपीए सरकार में 2014 तक 450 का सिलेंडर मिल रहा था, वो आज 1100 में है। इन्हीं के जो है जो प्रचारक जो है, और इन्हीं के जो समर्थक बाबा रामदेव जो है पूरे देश के कोने कोने में जा करके कहते थे कि यदि मोदी जी की सरकार आई तो 30-35 रुपये लीटर जो है पेट्रोल और डीजल बिकेगा। ये काला धन लेके आते थे। इन्होंने जिस तरीके से यूपीए सरकार को, कांग्रेस को इन्होंने बदनाम करने का काम किया, चाहे कोल ब्लॉक के घोटाले की बात हो, चाहे 2G की घोटाले की बात हो, चाहे ये जो है ब्लैक मनी की बात हो, क्या इन्होंने एक भी, आज 8 साल हो गया है भारत सरकार, भाजपा सरकार को, मोदी सरकार को, क्या किसी भी भ्रष्टाचारी को, कांग्रेस के नेता को इन्होंने जेल भेजने का काम किया है? ये केवल और केवल रिएक्शन लेंगे इस पर, भारतीय जनता पार्टी को झूठ। नीरज यादव का भी एक छोटा सा रिएक्शन लेंगे इस पर, और इसका जवाब ओपी जी से लेंगे। और नफरत, वादा खिलाफी पे ये देश की सत्ता चाहते हैं। अब ये इनकी काट की हारे बार बार नहीं चला सकते है। ये इनका जो है ये बेनकाब हो गए, जनता करा रही है, परेशान है, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सर, चाहे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। समाज का हो, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, इनके सरकार से आज ही जा चुका है। अब इनसे निजात पाना चाहती है, और कांग्रेस पार्टी का जो शानदार स्वर्णिम इतिहास है, अरे सर, उसको लोग महसूस कर रहे हैं। वो स्वर्णिम इतिहास जो कभी हुआ करता था, वो कड़ाई शिकस्त देके और देश की सरकार बनाएगी। देवेंद्र जी, एक सवाल आपसे मैंने पूछा था कि किस नेता को कमान दी गई है इस बार 2024 के लिए? कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के शानदार नेताओं में किसी का गिनती होती है तो उसका नाम है आदरणीय श्री राहुल गांधी, जो सच की बुनियाद पे, जो ईमानदारी के, जो सच्चाई के, जो देशभक्ति की, जो लोगों के हक और हुकूक के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसे विजनरी, ऐसे महान नेता, ऐसे दार्शनिक सच्चे नेता को देश चाहती है। और आने वाले समय में इन झूठों को, जो झूठ की राजनीति, नफरत की राजनीति करने वाले हैं, इनको राहुल गांधी के नेतृत्व में हम देश के कांग्रेस के छोटा सा रिएक्शन इस पर आप कभी लेंगे, उसके बाद ओपी जी से परास्त करेंगे और इनके नापाक इरादों को जवाब लेंगे। नीरज यादव जी, जो तमाम बातें कही गई हैं 2024 को लेकर, बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है, समाजवादी पार्टी की तरफ से किन नेताओं को इस बार कमान दी गई है? क्योंकि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं 2017 की अगर बात करें उसके बाद से आपकी पार्टी का। जी,
जब कोई दल चुनाव के दौरान जनता के बीच में जाता है तो उसका एक्सपीरियंस कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। जनता ने हमें जो अपना फैसला दिया वो सर्वमान्य है, और समाजवादी पार्टी के पास पश्चिम में पूरी टीम है, और हमारे दल श्री चौधरी जैन जी वो भी अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके जो ब्रजेश पाठक जी हैं उनके विभाग के अभी 500 तबादले किए गए, उनके मंत्री को ही नहीं पता आखिर हो क्या रहा है ये प्रदेश में, ये करना क्या चाहते हैं प्रदेश की जनता के साथ। ठीक है, आपका सवाल हो गया। उनके विभाग के 500 तबादले किए जाते हैं है। किसी भी और मंत्री जी खुद आरोप लगाते हैं डिप्टी सीएम साहब कि मुझे नहीं पता। ठीक है ओपी जी, तमाम आरोप लगाए गए हैं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये केवल तमाम आरोप जनता का जवाब दीजिए, हमारे हैं वर्गला रहे हैं और केवल चाहते हैं कि वर्गला के। ठीक है, देखिए अब तक के आपके डिबेट में जो चुनावी जो आपने डिबेट का विषय रखा है 2024 लोकसभा चुनाव और पश्चिम का चुनाव जी, लोग उसमें भटकते जा रहे हैं, उसमें भटक गए जी। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता है देवेंद्र जी, बहुत अच्छे प्रवक्ता, बड़े विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन बेचारे आज डिबेट पर भूल गए कि हम डिबेट पर बैठे हैं, कोई हम जनसभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी गलती नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है इतना अभिमान, 80 सीटें जीतने का, भैया 80 में 66 जनता ने जिताई है, तो अगर 66 जिताई है तो हम 80 का लक्ष्य रखें, लक्ष्य आप भी बताओगे भैया 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का इतिहास तो बड़ा सुनाला है, एक सीट बची है जो आपका नेता वो भाग गया उत्तर प्रदेश छोड़ करके। आदरणीय ओपी सिंह जी, कांग्रेस का ये भी इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश की 85 सीटों में 84 सीटें जीतने का इतिहास रहा है कांग्रेस का, आप ये मत भूलिए। और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अपने दो सांसदों को हरा के भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए कैंडिडेट को लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था, ये कांग्रेस का स्वर्णिम इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जैसा ये इतिहास नहीं है कि विपक्ष को खत्म ही कर देना चाहते हैं आप, बिना आप आपके ऊपर कोई लगाम ना रहे, कोई आपको लोकसभा में और जो है संसद में विधानसभा में आपको कोई टोका टोकी करने वाला ना रहे, आप इस तरीके से राजनीति करना चाहते हैं, कैसा लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं। आदरणीय ओपी सिंह जी बताइए, आप एक बहुत सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार रहे उत्तर प्रदेश के, आप कैसा आप प्रवक्ता आप कैसा 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 लोकतंत्र को देना चाहते हैं, कैसी सरकार देना चाहते हैं आप बताइए। क्या विपक्ष का स्थापित नियम है, एक एक व्यक्ति अपनी बात बोलिए, ऐसी किसी की बात समझ नहीं आ रही है, एक एक व्यक्ति अपनी बात बोलेगा। गुड गवर्नेंस के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना निकालता आवश्यक है। आप लोग एक साथ बोलने लगते हैं, आवाज क्लियर नहीं किसी को मिलती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, केवल सारी किसान वाली बात कर रहे हैं, 2012 में क्या था, 2007 में कहते हैं ये। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, जनता ने छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुरुक्षेत्र लगातार जारी है, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।